अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो ये औरत अय्याशी करना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। खुद तो ये बहुत बड़ी अय्याश है, लेकिन बच्चों के भी पीछे पड़े रहती है कि बाल कटा लो, बाल कटा लो। अरे भाई, इतने कौन से बड़े बाल है जो ये इसके आयत के बाल कटाने के पीछे पड़ी है, और शर्म इसको बिल्कुल नहीं है। रोज शाम को ही सो के उठती है और बोल रही है कि चलो बाहर चलते हैं, वॉक करके आते हैं, घूम के आते हैं, ठंडा हो गया है मौसम, पूरा दिन तो इतनी धूप रहती है कि हम बाहर नहीं निकलते। अरे पिटारा, तू जगते रहेंगी तो बाहर निकलेंगी ना, तू कितनी झूठी और मक्कार औरत है कि तुझे टाइम के हिसाब से भी झूठ बोलना होता है। तुझे ये जताना है कि तू तो मतलब दिन भर जागती है, जबकि तू सो के ही 3-4 बजे उठती है, क्योंकि काम तो तुझे कुछ है नहीं, जिम्मेदारियां तो है नहीं, लोगों ने बस ऐसे ही उठा के बिठा दिए सर पे, और अब तू कर रही है सबके सर पे तांडव। शर्म तो आती नहीं है तुझे? और 3 दिन से मैं देख रही हूँ कि ये यही कपड़ा पहन के घूम रही है और बोल रही है कि बहुत गर्मी है, गर्मी है, और नहा नहीं रही है। सोचो कितनी गंदी औरत होगी ना ये। याद है ना आप लोगों को, जिस दिन ये बता रही थी कि मैंने जीन्स लेके आई हूँ 29 साइज की, वो दिन भी इसने यही कपड़ा पहनी थी, अगले दिन भी यही कपड़ा पहनी है। मतलब कि ये औरत नहाती तक के नहीं है, सोचो कितनी गंदी है ये। तो याद होगा इसकी कोई फ्रेंड थी जो जिसका वीडियो लीक हुआ था, बहुत गंदा वीडियो था और लीक हो गया था। तो वो जिस तरह के वीडियो बनाती है अपनी थाई दिखा दिखा के, मतलब ऐसे ऐसे पार्ट को वो इनहेंस करती है वीडियो में कि लोग उसको देखने के लिए जाए, जानबूझ के दिखाती है। उसी तरह से पिटारा हमेशा अपना सीना दिखाती है, और अगर अभी आप लोग गौर करोगे ना तो ये अपना पिछवाड़ा भी दिखा रही है। साजिद को कैमरा लेके पीछे चलाती है और खुद उल्टा चलती है, मतलब खुद जाते रहती है पीछे से, साजिद है ना सूट करते रहता है। सोचो कितनी घटिया और गंदी औरत है ना। अबाया वगैरह तो खैर इसने छोड़ ही दी है, लेकिन अब ये नया शुरू की है कि अपना पिछवाड़े का वीडियो बना बना के डाल रही है। मतलब ये दिन पे दिन और ज़्यादा गंदी और गलीच होते जा रही है। खुदा का खौफ इसके दिल से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ये बच्चों को लेके पार्क के लिए निकली है तो इतने बोली कि मैंने बच्चों को पार्क में छोड़ दी हूँ और मैं जोर जोर से ना रोड पे वॉक कर रही हूँ। अच्छा पिटारा, तू रोड पे वॉक कर रही थी? मतलब ये इतनी मक्कार है ना, इतनी झूठी है, ये कोई वॉक वगैरह नहीं कर रही थी। ये आप लोगों को जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ ना, बस ये वही काले पीले धंधे करने के रहते है ना, तो ये बाहर निकलती है। अब पार्क में बुलाना होगा कस्टमर या जो भी इसका यार था उसको। अब पार्क में थी गर्दी तो इसके लिए इसने बच्चों को पार्क में छोड़ी और खुद वॉक करने के बहाने निकल गई, और फिर आके बता रही है कि ये बहुत रो रही थी आयत। जाहिर सी बात है, तेरे ऐसी माँ होएंगी तो बच्चा रोएगा ही ना, और बेशरम के जैसा बता भी रही है कि इसको याद कर करके रो रही थी कि मम्मा कहाँ चली गई। देख लो कितनी फिक्र और कितनी ज़्यादा मोहब्बत है इसको अपने बच्चों से, जो बच्चों के नाम पे सिंपत्ति लेती है, उनका ध्यान तक के नहीं रखती है ये। और फिर वॉक करते करते गाड़ी का दरवाजा खोल ली और बोल दी इसको कलर लेना है, ये लेना है, वो लेना है, बिना अबाये के पतला सा दुपट्टा, निकल गई बाहर के बाहर ही। बाहर वॉक कर रही थी, बाहर से बाहर ही निकल गई कि मैं जा रही हूँ इसको कलर वगैरह दिलाने। मतलब ये औरत का पैर बिल्कुल भी घर में नहीं टिकता, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई ना कि ये रोड पे जानबूझ के वॉक कर रही थी, जाहिर सी बात है किसी से कोई डील करना होगा तो वो कर रही थी, और उसके बाद में ये वॉक के बाद फौरन गाड़ी में बैठ गई, क्या बहाना करके कि ये आयत को कलर वगैरह दिलाने लेके जा रही है। और फिर जब ये मार्केट से वापस आई है तो ये लेकर आई है ब्लैंकेट। ये जब ब्लैंकेट लेकर आई है तो आयत एकदम अजीब तरह से पूछ रही थी, खुश हो रही थी ब्लैंकेट देख के। मीन्स के आयत इसके साथ में नहीं थी, ये ब्लैंकेट लेने के लिए नहीं गई थी। आयत इससे पूछ रही थी कि आपने कहाँ से लिया, इसके मुंह मुंह से निकल गया कि मॉल से, तो बोल रही है गीगा मॉल से। फिर बोलती है नहीं, जहाँ से आपका कलर वगैरह लिए ना वहीं से। अगर ये वहीं से ले रही थी तो आयत कहाँ थी वो टाइम पे, क्योंकि ये तो दिन दहाड़े बच्चे को लेके निकली है।
फिर रात को ये वापिस आई है, ब्लैंकेट देख के आया तो इतने खुश हो रही थी जैसे कि आयत को पता ही नहीं है ब्लैंकेट। अब ऐसा तो है नहीं कि चलते चलते एक चॉकलेट उठा के पिटारा ने ले लिए, इतना बड़ा बड़ा 3 ब्लैंकेट ली है तो जाहिर सी बात है उसको खोल के देखी होगी, पसंद की होगी। याद है ना आप लोगों को कि ये कोई भी एक चीज लेती है तो कितना उसको उल्टा सीधा कर करके देखती है, सॉफ्ट है कि नहीं, कॉटन है कि नहीं, कितना ये क्वालिटी के ऊपर ध्यान देती है। तो जब ये 3-3 ब्लैंकेट खरीद रही थी तो घोंचू और आयत कहाँ थे? सोचो आप लोग इस बात को। क्यों? क्योंकि ना ये अपने यार के साथ में दूसरे मॉल में घूमी है, जाहिर सी बात है तभी तो बच्चे को नहीं पता कि ब्लैंकेट कहाँ से आया है। वो बच्ची खुश हो रही है और ये दिन में गई है, आधी रात को वापिस आई है। ये सारे है ना प्रूफ है के पिटारा है ना कभी भी नहीं सुधर सकती है। बिना यार के ना इसका दिन ही नहीं कट सकता और बिना यार के इसकी जिंदगी नहीं चल सकती। यह अय्याश औरत है, पहले मार्केट और वगैरह वगैरह घूमी होंगी उसके साथ में, फिर बाद में समझ गए ना आप लोग, उसके बाद में फिर लाके छोड़ दिया होगा। तो गंचू बेशरम दल्ला है ना, लेके आ गया होगा। जबकि ये जब मार्केट गई है तो साफ नजर आ रहा है, खाली एक छोटी सी थैली में ये थैली वो कलर वगैरह लेके निकली है, और वो कोई मॉल नहीं था जहाँ से ये कलर वगैरह लेके निकली है। सोचो इसके पास में कंटेंट नहीं होता है, ये औरत मौका ढूंढती है कि कैसे भी करके कंटेंट मिले। और इस वीडियो में इसने कलर वगैरह खरीदी तो एक 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 चीज क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि इसके पास में टाइम ही नहीं था, वो तो सारा कलर वगैरह घोंचू ने खरीद लिया था। इसने सिर्फ थैली दिखा दी ताकि लोगों को लगे कि मैंने खरीदी हूँ। ये वहाँ पे रहती तो खरीदती ना, ये वहाँ पे थी ही नहीं। वीडियो में आप लोग गौर करोगे तो पिटारा का ना होठ वगैरह भी फटे हुए थे, जख्म थे होठ के ऊपर। फिर बहाना भी कर रही थी कि गर्मी इतनी है के दाने निकल आए, तो दाने तुझे सिर्फ होठ के ही तरफ निकल आए, पूरे चेहरे में कहीं पे भी दाने नहीं निकले। जैसे अकबर भाई आए थे वो टाइम पे जैसे तेरे होठ जख्मी हुए पड़े थे, तो ये टाइम पे भी ये वीडियो में भी तेरे होठ जख्मी नजर आ रहे हैं। और जा रही थी तब तो नहीं थे, वापिस आने के बाद में तुझे दाने निकल आ गए फौरन, इतनी जल्दी? कितना बेवकूफ बनाती है ना पिटारा। यही लिए ये मरते रहती है कि इसको दुबला होना है, इसको पतला होना है। बोल रही है खजूर ले ली हूँ, चीनी बहुत कम खाती हूँ तो खजूर खा लेती हूँ। दूर पिटे मुँह तेरे पिटारा, तू कितना भी कुछ भी ड्रामा कर ले लेकिन तू है ना पतली नहीं होएंगी, तू और सांड होएंगी। बल्कि ऐसे है ना कि मैं इतनी सी चीनी ले रही हूँ, मन करता है तो मैंने खजूर ले ली हूँ, इतने से खजूर हैं खाली खुद के हाथ में और मेरे लिए ली हूँ बोल रही है। घर में और कोई है ही नहीं, खुद के लिए खाली लिए। और ऐसे बताएंगी ना ये सारी बातें जैसे लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है इसमें। अरे भाई तू ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को इंटरेस्ट रहेगा? हाँ मोटी संडी, इतनी बड़ी नाक वाली, मुंह पे लानत बरस रही है। ऐसा तो है नहीं कि लोग तुझसे पूछते हैं कि इतना ग्लो कहाँ से आ रहा है, प्लीज हमारे साथ शेयर करो, इतनी दुबली कैसी हो गई हो, हमारे साथ शेयर करो, है ना? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर ये बंकस करने की क्या जरूरत है पिटारा, कि मैं 2 खजूर खा रही हूँ, मैंने चीनी कम कर दी हूँ। दूर पिटे मुँह तेरे पिटारा के अंदर, इस वीडियो के अंदर इसने साड़ी पहन के दिखाई, खूब अच्छे से दिखाई भाई, बहुत अच्छे से पूरा सीना पेट वगैरह सब अच्छे से दिखाई, ताकि जिसको खुश करना है ना उसको खुश कर सके। तो वो इंसान तो खैर खुश हो गया होगा क्योंकि बहुत अच्छे से इसने अपना पूरे जिस्म की नुमाइश की। और आप लोगों को थोड़े दिन पहले ही जब ये नाक छिदवा रही थी तभी बताए थे ना कि ये हीरा मंडी की सबसे बड़ी वाली वो बनना चाहती है। नाक छिदा के आ गई, फिर साड़ी दूसरों से मांग के, भाई कहाँ तो ये करोड़पति औरत है, इतने पैसे इसके पास में अय्याशियां करने के लिए, लेकिन साड़ी कोई आंटी से मांग रही है। बताओ भाई क्या नवे कस्टमर ने हीरा मंडी वाला लुक लेने बोला था पिटारा तेरे को, ताकि तू उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठ सके, है ना, ताकि तू खुश कर सके। और ये जो बात मैं बोलती हूँ ना कि ये इस तरह के लुक लेती है खुश करने के लिए, तो ये मैं मजाक नहीं करती हूँ ना, मैं तंज में बोलती हूँ, सच में ये करती है इस तरह से। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा
लेकिन ये औरत है ना 1% भी घरेलू और इज्जतदार औरत नहीं है। ये अलग अलग लुक करके और सामने वाले को खुश करती है। सोचो कितनी गंदी और घटिया औरत होंगी ये। साड़ी भीख मांग के पहन रही है, लक दी लाना था तेरे ऊपर। आप लोग खुद देख लो कि ये साड़ी इसने किसके लिए मंगाई थी, कहाँ पे पहनी इसने, कोई रील्स बनाई, कोई शॉर्ट बनाई, कोई पिक्चर बनाई, लेकिन साड़ी इतने इतनी सारी मंगवाई। तो ये बात साबित होती है कि ये अपने यार को खुश करने के लिए, अपने कस्टमर को खुश करने के लिए ये सारी हरकतें करती है, जो कि निहायती गलीच औरत है ये। इसे पिटारा ये सारा कुछ तो पीछे पहले भी बैक कैमरे पे करती ही थी, लेकिन हाँ अब तू फ्रंट कैमरे पे आ गई है अपनी औकात दिखाने के लिए। कभी तू जीन्स दिखाती है कि मैं जीन्स पहनूंगी, कभी स्कर्ट दिखाती है और कभी तू साड़ी दिखाती है। तो जो इसके सपोर्टर जो पहले बोलते थे कि नहीं नहीं इनकी मालकिन तो बड़ी शरीफ है, तो अब उनके मुंह में क्या गया, किस तरह से उनका मुंह काला किए इतने देख लो। वो सारी बातें सच्ची हो रही है जो मैं इतने टाइम से बता रही हूँ, वो एक एक बातें सच्ची हो रही है, एक एक हरकतें पिटारा आप कैमरे पे आके करके दिखा रही है। तारीफ करवाने की कितनी आदत है आप लोगों को पता ही है ना। ऐसी गंदी गलीच हरकत करने के बाद में जवान बेटे को पूछ रही है, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, बेशरम घटिया लग रही है। क्यों इंडिया तो तुम लोगों का एनिमी है, तो फिर क्यों बोल रहा है इसका बेटा कि इंडियन लग रही हो, बेवकूफ़ बनाने, इंडियनों को फुद्दू बनाने के लिए। अंदर से तुम लोग कितना जलते हो इंडियनों पे हमें अच्छे से पता है, और ऊपर से बोल के दिखा रहे इंडियन लग रही है। अरे लानती मोटी संडी लग रही थी वो, इंडियन नहीं लग रही थी, इंडिया का नाम मत लो तुम लोग अपनी जबान से, गंदी गली जबान वाले। पिटारा जो वीडियो एंड कर रही थी ना, वो टाइम पे दूसरा दिन लग चुका था, मतलब रात को ये साड़ियां पहन पहन के दिखा रही थी। इसके बाद में कोई रील्स नहीं बनाई, कोई स्टोरी नहीं, कोई शॉर्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनाई, कोई पिक्चर नहीं बनाई, और फिर बाद में फौरन इतने दूसरे दिन का वीडियो बनाई और बोली कि बहुत गर्मी थी तो दाने निकल गए हैं, तो ये तो वो। अरे पिटारा साफ नजर आ रहा है भाई के वो साड़ी आई, साड़ी पहनने में तू लग गई और बाहर गई, फिर तुझे मुंह पे दाने निकल आ गए, फिर तूने रात को वीडियो एंड नहीं की, तू जाके और फिर दूसरे दिन तू आके बता रही है कि गर्मी बहुत है, मैं ग्रीन टी पी रही हूँ ना उसके वजह से दाने निकल रहे। अच्छा पिटारा ग्रीन टी तो तू बड़े दिनों से पी रही है, अभी तलक तो के दाने नहीं निकले थे, अभी तुझे साड़ी पहनते साथ में याद आ गया कि ग्रीन टी से तुझे दाने निकल रहे। किसको बेवकूफ़ बना रही है पिटारा, और बोल क्या रही है ये दाने चलेंगे मोटापा नहीं चलेगा। अरे पिटारा तू और गोंचू सिर्फ और सिर्फ मोटे होने के अलावा कर क्या रहे हो, हाँ सिर्फ और सिर्फ खा रहे हो, फैल रहे हो और अय्याशियाँ कर रहे हो, इसके अलावा तुम लोग कर क्या रहे हो जो तुम लोग पतले होंगे। बताती है मैंने इतना सी खजूर खाई, इतना सी शक्कर खाई, इतना सी नमक खाई, मैंने वॉक की। अरे भाई घर के इतने सारे काम है वो कर ना, पूरे 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 काम कर अपने हाथ से, कपड़ा बर्तन झाड़ू पोता खाना बनाना, बच्चों को नहलाना धुलाना, घर की साफ सफाइयाँ करना, हर एक चीज अपने हाथ से रखना ढूंढ के देना, टोटल अपने ऊपर ले जिम्मेदारी। तू क्या तेरा पूरा खानदान पतला हो जाएगा, काम की ना काज की दुश्मन अनाज की, बैठे बैठे खाली खाने को चाहिए, यारों के साथ में अय्याशियां मनाने को चाहिए, और फिर बोलती है कि मैं पतली हो जाऊंगी। पतली तो फिर भी नहीं होएंगी पिटारा, तू तू और फैलेंगी, इतना फैलेंगी कि तू फटेंगी एक दिन। तेरा ये अरमान तो अल्लाह कभी पूरा ना करे पतले होने वाला, और होगा भी नहीं। जिस तरह से तू खाती है ना फुकट का मिल जाए फिर तो तू भाई नाड़ा पूरा खोल के बैठ जाती है कि पेट जितना भी बड़ा है ना भर लो फ्री का खाने मिलता है तू। और तेरे को जो यारों के लिए तू साड़ी वगैरह पहनी है तो लोग भूखा तो भेजते नहीं होंगे, तभी तो ना रात को साड़ी पहन के दिखा रही थी, फिर वीडियो दूसरे दिन एंड कर रही है, ग्रीन टी के वजह से दाना आ गया, समझ रहे हो ना आप लोग, न्यू यार जिसके वजह से दाने निकल आ रहे हैं, और भी बहुत कुछ इसका समझ में आ रहा है, मतलब पता चल रहा है। तो इंशाल्लाह वो सारी बातें भी
इंशाल्लाह जरूर सामने आएंगी, क्योंकि गंदगी आप लोगों को पता है ना ज़्यादा दिन चुपती नहीं है। तो चले इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।